बिहार के लोगों के मतलब मानसिकता हो गई है कि नौकरी लेंगे तो शादी होगी, नौकरी लेंगे अगर मान लीजिए दरोगा है तो इतना उसका तिलक फिक्स हो गया। ये परंपरा थोड़ा बदलना पड़ेगा और बिहार इतना पीछे है इसीलिए सबसे ज़्यादा वीआईपी बिहार में ही है, जैसा आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वीआईपी बिहार में ही है। लेकिन फिर भी बिहार गरीब राज्य क्यों है, तो यहाँ पर व्यापार नहीं है, यहाँ पर ट्रक भर भर के माल आते तो हैं बाहर से लेकिन यहाँ से जाता नहीं है, खाली ट्रक जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कम करना होगा और सोशल वर्क राजनीति ये सब तो चलते रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बरौनी प्रखंड और बीहट में। तो आज का जो गेस्ट है हमारे सूर्य सिंह और एबीपी नगर बीहट मंत्री, इनका जो प्रयास है जो सोशल वर्किंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इन्होंने हजारों की तादाद में मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं और बीहट के साथ साथ अन्य गांव के भी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद किए हैं और आगे भी इनका कई प्लान है जो बेगूसराय के लिए काम करने के लिए, जैसे दिनकर कॉलेज के लिए अभी इन्होंने अपनी टीम का गठन किए हैं, वो भी कार्य बहुत जल्द शुरू की जाएगी। साथ में सोशल वर्किंग फाउंडेशन के माध्यम से इनका चलते रहते हैं। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में प्रिय गेस्ट सूर्य सिंह के साथ। नमस्कार सर जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सर, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि बेगूसराय के जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आपको देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबसे पहले तो बारिश में भीग कर यहाँ पर आए हमसे बात करने के लिए, ख़ास बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सूर्या सिंह है और मैं बीहट से हूँ और वर्तमान में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीहट नगर इकाई का नगर मंत्री, वत्सल भारत फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है उसका प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हूँ, और दिनकर सेना का भी शुरुआत हम लोगों ने ही किया है। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो इतना काम, मतलब वो भी ऐसे काम, सोशल वर्किंग का काम और फाउंडेशन, ये सब आप किन से इंस्पायर हुए, किन से आइडिया है? इंस्पायर या आइडिया, मैं ऐसा नहीं है कि किसी को देख के लिया हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये इंस्पिरेशन मुझे हमारे समाज से मिली है। अगर कुछ भी कहीं कमी रहता है, कोई भी रहता है, मतलब कोई कमी है तो मेरा उस पर नज़र जाता है, और ऐसा बचपन से, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अचानक हो गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। सर, आपने जो इतने सारे कोरोना काल में लोग तो इवन कि बड़े बड़े नेता बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आप निकले और लोगों को मदद किए, तो क्या आपको डर या भय नहीं लगता था? सच बताए तो डर मुझे आज तक नहीं लगा, कभी नहीं। अब काम करना है तो डरना क्या, बस हाँ ये चीज़ है कि जो भी ज़रूरत के सामान थे, जिनको मतलब कि सुरक्षा कवच के रूप में हमको पहन के जाना था, मास्क हो, मास्क पहनता हूँ मैं, अभी घर में बैठे हुए हैं इसीलिए मास्क नहीं पहना हूँ, ऐसा बात नहीं कि मास्क नहीं पहनता, मास्क पहन के, फिर ये फेस शील्ड हो गया, पीपी किट हो गया, ये पहन के ही हर जगह गए, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे निकल गए। सर, बिहार का जो युवा हैं, ज़्यादातर 90% युवा हैं जो IAS IPS इसके लिए तैयारी करती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बेचैन रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आपका रुझान एक अलग सी लाइन में कैसे आ गया? नहीं, अलग से लाइन में रुझान ज़रूरी भी है। बिहार के लोगों के मतलब मानसिकता हो गई है कि नौकरी लेंगे तो शादी होगी, नौकरी लेंगे अगर मान लीजिए दरोगा है तो इतना उसका तिलक फिक्स हो गया। ये परंपरा थोड़ा बदलना पड़ेगा और बिहार इतना पीछे है इसीलिए सबसे ज़्यादा वीआईपी बिहार में ही है, जैसा आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वीआईपी बिहार में ही है। लेकिन फिर भी बिहार गरीब राज्य क्यों है, तो यहाँ पर व्यापार नहीं है, यहाँ पर ट्रक भर भर के माल आते तो हैं बाहर से लेकिन यहाँ से जाता नहीं है, खाली ट्रक जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कम करना होगा और सोशल वर्क राजनीति ये सब तो चलते रहेगा।
मेरा एक सवाल और है आपसे, जो आप सोशल वर्किंग में जब कदम रखे तो आपके पेरेंट्स, आपके परिवार की कैसी सोच थी उस टाइम में, क्या सोचते थे आपके प्रति? कुछ ना कुछ तो उनका प्रतिक्रिया होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लीज़ उचित दर्शकों से साझा करें ना। नेगेटिव प्रक्रिया मतलब नेगेटिव विचार मेरे परिवार में कभी नहीं है। परिवार का समर्थन रहेगा तभी आप बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ हो पाएंगे। तो परिवार का समर्थन हमेशा से रहा, ऐसा नहीं है कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, अच्छा है, सपोर्ट करते हैं। और सबके परिवार वाले बालों को सपोर्ट करना ही चाहिए। आपका लड़का या लड़की कुछ भी करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको सपोर्ट में, हाँ सही चीज़ हो तब सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि आप चोरी डकैती कर रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा फिर। तो आपने एनजीओ का जो निर्माण रखे हैं फाउंडेशन, उस एनजीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं, उसका मिशन विजन क्या है, उद्देश्य क्या है एनजीओ का, बनाने से पहले कुछ सोचे होंगे आप? बनाने वक्त तो सिर्फ एक ही बात सोचे कि सोशल मतलब ये कोरोना काल था तो कोरोना में मदद करना है, लेकिन बनाने के बाद पता चला कि बहुत सारे चीज़ों की कमी है हमारे समाज में, उसको भी पूरा करना है। कोरोना काल में ही पिछले साल शुरुआत हुई बस्तर भारत फाउंडेशन की, यही जुलाई महीने में ही, तो अभी एक साल हो गया और अभी रजिस्टर्ड भी हो गया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो रजिस्टर्ड हो गया है। और अभी एनजीओ का आने वाले 2-3 सालों में आप लोग कुछ प्लान किए होंगे, कुछ चर्चा किए होंगे जो इसको किस दिशा में लेके जाना है? इसमें सबसे बड़ी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लोग काम करने वाले हैं, और ये वोमेन एम्पावरमेंट इस सब पे कार्य करेंगे हम लोग एनजीओ के द्वारा, यही प्लानिंग है हम लोग का आगे। और शिक्षा स्तर लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा गिर भी गया है, हमको लगता है बहुत बच्चे पढ़ना तो भूल गए होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में है, गाँव देहात से जो आते हैं, उनके पास तो ना मोबाइल है ना कुछ, तो वो तो इधर उधर भटक के रह गए, तो उनको शिक्षा से फिर जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल सूर्या जी, और आप लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बनाई होगी, कुछ सोचे होंगे जो ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो बहुत ही गरीब गुर्दा हो, और उनको मतलब 8वीं को ज़्यादा फोकस करना है, या प्राइमरी बैच को फोकस करना है, या मिडिल वाले बच्चों का फोकस करना है, क्या सोचे अभी तक? ज़्यादा तो फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा मतलब छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो तो खेल कूद और इधर उधर मतलब भटक के रह गए हैं, और मिडिल वाले तो इतने समझदार हो जाते हैं कि पढ़ाई का मतलब उनको पता हो जाता है, लेकिन जो कक्षा मतलब 5वीं से नीचे हैं उनको उतना पढ़ाई का मतलब नहीं पता कि पढ़ेंगे तो क्या होगा या फिर कैसे हमारा मानसिक विकास होगा, तो वो पढ़ाई से दूर गए हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि एक सवाल और है मेरे जहन में, जो काम आप करना शुरू किए हैं वो मैं भी पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ख़ास करके फाइनेंशली, क्योंकि आने वाला टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर चंदे पर चलती है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर किए हैं, कैसे मतलब घर से ही सपोर्ट करना है या फ्रेंड सर्कल में, क्या कैसे करेंगे? नहीं, आज तक फ्रेंड सर्कल से लिया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आगे का प्लान है कि फ्रेंड से लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो बात करना भी हमसे छोड़ देंगे। yes. तो क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड से लेके सोचेगा क्या कि चंदा के लिए फ़ोन किया है, तो इसलिए फ्रेंड से आगे नहीं लेना, लेकिन लिए हैं, ऐसा नहीं है, छोटा छोटा अमाउंट ही, लेकिन लिए हैं फ्रेंड से, लेकिन आगे फंड आएगा। और ऐसा नहीं कि मैं घर से भी खर्चा करता हूँ, मैं घर से आज तक मुश्किल से 100 से 200 रुपये खर्चा किया हूँ, कुछ भी करता हूँ तो वो फंड इकट्ठा करके ही करता हूँ। सहयोग है समाज का, आगे अगर सहयोग रहा तो और बेहतर कार्य करेंगे, निश्चित रूप से कार्य करेंगे और बेहतर। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं आने वाले टाइम में, पता नहीं आप बच्चों के लिए सेंटर खोलेंगे या जो भी करेंगे, मेरी पूर्ण सहयोग रहेगा आपको मीडिया के भी माध्यम से, और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा सेंटर दिल्ली, यूपी, बिहार में 3 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके भी माध्यम से हम लोग शेयर करेंगे आपसे बातचीत। अच्छा, मैं आता हूँ अब राजनीतिक के तरफ, क्योंकि बिहार का युवाओं जो पहला होता है जो गवर्नमेंट जॉब पाना, उनके लाइफ का मिशन होता है। सेकंड मिशन ये होता है अगर जॉब नहीं मिली तो कोई पार्टी या राजनीति ज्वाइन करना, तो आपने क्या प्लान किया है जो कुछ, क्योंकि भगवा कलर भी बहुत मानते हैं, और फेसबुक पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया तो मुझे ऐसा लगा है कि जो गेरुआ कलर से आपको बहुत प्यार है। नहीं, मुझे क्या, सारे हिंदुस्तानी को प्यार रहना चाहिए,
सारे हिंदू को प्यार रहना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हम अपने धर्म का रक्षा तो कर सकते हैं, और भगवा तो मेरा क्या, हमको लगता है हर हिंदुस्तानी का शान है। मैं बहुत प्यार करता हूँ भगवा से, इसमें कोई दो राय है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने धर्म अपने संस्कृति को तो हम रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब भी जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो बीजेपी या फिर ऐसी जो पार्टियां हैं देश को बेच दिया है, बर्बाद कर दिया, तो आपका क्या विचार है इस पर? बहुत सारे लोग जो हैं सोच रहे हैं जो मोदी जी हैं निजीकरण कर दिए हैं देश को, बेच के चले जाएंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? इस पर मेरा विचार तो सिर्फ एक ही है कि निजीकरण किए हैं तो लगभग तो प्राइवेटाइजेशन जो भी हुआ है वो सारे चीज़ों में है ही, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी है। प्राइवेटाइजेशन से गरीबों को मुश्किल होगी कि अब 10 रुपये का दवाई भी उनको ख़रीदना पड़ेगा, अगर अस्पताल प्राइवेट हो जाते हैं सारे के सारे तो 10 रुपये की दवाई भी ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से एक चीज़ ये हो सकता है कि साफ स्वच्छ रह सकता है हर चीज़। और मोदी जी बेचेंगे क्या? अगर मोदी जी बेचे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवा ले लिया हूँ तो मोदी जी जो करेंगे अंधभक्ति के साथ मैं उनका समर्थन, ऐसा नहीं है। अगर वो बेचे हैं ऐसा बात है तो मैं उसका विरोध करूँगा, ये गलत हो रहा है, बेचना नहीं चाहिए। सूर्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब सोशल वर्किंग करते हैं बिहार में तो बहुत सारे जो आस पड़ोस वाले बोलते हैं जब फलना के बेटा देखो ना काम धाम छोड़ के किस काम में लग गया, लेकिन क्योंकि उसको उस चीज़ों की सेंस नहीं है, क्योंकि इस विरोध को मैं भी झेला हूँ। तो आपके भी आसपास में या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे पिताजी या बड़े भाई को बोलते होंगे, उस पर आपकी क्या राय है? उन लोगों को कैसे आप क्या संदेश देंगे? मेरे कान में तो ज़्यादा ऐसा बात आया नहीं है कि आज, हाँ दोस्त लोग बोलते हैं कि कौन सी कर लगली, तो लेकिन फिर उनको मैं समझाता हूँ कि सही चीज़ कर रहा हूँ तो वो साथ देते हैं, बस ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन और आसपास के लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ना, मैं उतना सुनने में इंटरेस्ट रखता हूँ और ना मैं सुनता हूँ, आज तक मैंने नहीं सुना है कभी। अच्छा सूर्या जी, आप बीहट के हैं तो बीहट में ऐसी क्या चीज़ और ज़रूरत है जिससे गरीब लोगों को मदद मिले, या यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो विधायक के थ्रू या माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू नहीं हो पाया है, जिसको आप चाहेंगे जो सुधरे आने वाला टाइम में? बीहट अभी मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय ज़िला के बाद, बेगूसराय का मार्केट है उसके बाद बीहट जो है वो आसपास के 10-15 गांव का मतलब केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। तो गरीबों को बहुत मदद मिलेगी अगर यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बन जाए, सबसे मतलब बड़ी बात तो यही है। तो आपकी मांग है कि सरकारी अस्पताल की बहुत ज़रूरत है? सबसे पहले तो सब बहुत ज़रूरत है सरकारी अस्पताल की। और शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में तो पूरा ज़िला ही मान लीजिए तो प्यासा है, इतना बड़ा ज़िला है लेकिन एक विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ पर। हम खुद बोल रहे हैं कि अभी मुझे कोई काम होगा, छोटा सा अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे दरभंगा जाना पड़ेगा छोटे से काम के लिए, एक साइन के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या मेरे साथ होगा, हो सकता है मेरा शोषण भी हो, वहाँ तो मुझे कोई जानते नहीं। अगर मुझे जानते भी हैं तो जिन्हें नहीं जानते उन्हें तो दिक्कत ज़रूर होगी। तो पूरा ज़िला ही प्यासा है विश्वविद्यालय के लिए, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बीहट। अच्छा सूर्या जी, हमारा जो बिहार है हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे जो है IAS या BPS में निकलते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर में आई थिंक सबसे ज़्यादा बिहार के हैं, लेकिन आज भी बिहार मतलब पिछड़े दिन पे दिन पिछड़ी जा रही है, तो इसका क्या रीज़न लगता है? आप युवा से बेटर शायद ही कोई बता पाएगा। IAS IPS निकलते हैं तो वो यहाँ के लिए काम करेंगे तभी तो, यहाँ पर इन्वेस्ट का ज़रूरत है, यहाँ पर उद्योग की ज़रूरत है। बोले तो आपको पहले भी कि यहाँ पर उद्योग है ही नहीं, जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में है नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के मतलब यहाँ पर जो राजनीति हुई है पिछले लगभग
अगर जानकारी है मुझे 15 या फिर 30 साल मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ जाति का राजनीति हुआ है और यहाँ जो भी उद्योगपति आए उद्योग लगाने के लिए उनको मार के भगा दिया गया या उनको लूट लिया गया, तो वो ऐसा ही मैसेज आगे भेजेंगे। अभी मुझे यहाँ आपको यहाँ पर कोई तकलीफ होती है तो आप बेगूसराय जा क्या बोलिएगा, बीहट में गए वहाँ मेरा कैमरा छीन लिया, तो वैसा ही बात है, वही चेन चलता है। यहाँ पर कोई उद्योग आए नहीं और उद्योग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। IAS डॉक्टर ये सब बनते हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन व्यापार का विस्तार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में। विश्वविद्यालय की स्थापना बोले ना, पूरा जिला प्यासा है विश्वविद्यालय के लिए। तो दिनकर सेना का स्थापना इसलिए हुआ क्योंकि आज तक कोई एक खास न तो मंच मिला, न बैनर मिला, न प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर लोग आ सकें। व्यक्तिगत अगर मैं बोलूं कि सूर्या अभी आवाज़ उठा रहा है तो हो सकता है सूर्या के बहुत सारे मतलब जो चाहने वाले नहीं होंगे वो मेरे साथ ना आए। ABBP शुरुआत किया, ABBP बहुत सारे लोग ना आ पाए, AISF शुरुआत किया, हो सकता है मुझे लगे कि ना है मैं क्यों जाऊं। तो इसके लिए खास बैनर की ज़रूरत थी जो कि दिनकर सेना तैयार करके बनाया जा रहा है, लगभग बन ही गया है और इसका विस्तारीकरण ज़्यादा ज़रूरत है। सेना मजबूत होगी तभी तो आवाज़ बुलंद हो पाएगी। सूर्या जी, अब आप बोलें जो लॉकडाउन के दौरान शिक्षा बर्बाद हो गई, ये वाकई में हकीकत है, बर्बाद हो गई है, लेकिन आप लोग अपने NGO के माध्यम से उस चीज़ों को मतलब एक जो शिक्षा देने जा रहे हैं लोगों को देंगे, उसका क्या विधि रहेगा, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से आप शिक्षा जो ख़राब हुई है उसको सुधार करेंगे? शिक्षा सुधार करना, देखिए मेरे टीम में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो मैं यही कर सकता हूँ कि लोगों को जागरूक कर सकूँ, पढ़ाई के लिए जाकर संदेश दे सकूँ कि पढ़िए, या फिर छोटा सा कार्यक्रम करके उनको समझा सकूँ। इतना तो संभव है नहीं कि 20-25 लोग मिलके पूरे बिहार को पढ़ा सकें, लेकिन छोटा सा प्रयास वही ना, कभी कभी हम लोग बड़ा काम करने के चक्कर में छोटा सा शुरुआत भी नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है कि छोटा शुरुआत करे वो आगे जाकर बड़ा रूप ले ले। तो छोटी सी शुरुआत हम लोग करेंगे अपने जिले से ही, देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं। या सर, आपका विचार वैक्सीन को लेके क्या है? वैक्सीन तो सबको लेना ही चाहिए और पिछले सप्ताह 1 से 7 जून तक ABBP के द्वारा चलाया भी गया था मिशन आरोग्य रक्षक, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत जगह पर गए, पता चला लोग जागरूक हैं और बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े बुजुर्ग वर्ग के लोग तो ज़्यादा जागरूक हैं, वो तो डायरेक्ट बोलते थे कि हमें 1 सुइया लेने चाहिए, तो थोड़ा भ्रमित भी किया गया है, तो उनको हम लोग उनका जो बहकाया गया था उनको दूर करने का प्रयास किए। और दर्शकों, देखा आपने सूर्या सिंह के साथ हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, अपना बीहट को लेके, बेगूसराय को लेके, सोशल वर्किंग से लेके, और अब तो दिनकर विश्वविद्यालय की भी मांग उठने वाली है, और ये जो सपना है बेगूसराय के नव युवकों का बहुत ही जल्द पूरा होगी इनके प्रयास से। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो भ्रमित ना हो, कोरोना वैक्सीन बहुत ही फायदेमंद है, वैक्सीन लेना है, कोरोना को भगाना है। इसी तरीके का प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ एक बात और मुझे कहना है आप लोगों का, आपके भी गली मोहल्ले, जिले, प्रखंड, गांव में ऐसे लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसका चाहते हैं कि आप उनका इंटरव्यू, उनका साक्षात्कार, समाज के लिए कुछ सीख मिले, उनके माध्यम से सोसाइटी कुछ सीखे, तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार के थ्रू उन्हें KB स्टूडियो तक जुड़वाने में मदद करें, ताकि हम उनका भी इंटरव्यू करें। मैं रंजित रजक, कैमरामैन विकास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।